दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमन सिंह और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डोर फ्रेम के बारे में। मीन्स डोर फ्रेम तो सभी जानते होंगे डोर फ्रेम में क्या खास है, लेकिन डोर फ्रेम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या वैरायटी है। ऐसा नहीं काफ़ी लोग सोचते हैं लकड़ी और लोहे की दो ही तरह की आती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए सैंपल मेरे हाथ में, ये देखिए डोर फ्रेम है, ये है कंपनी का, ड्यूरो का है। वैसे मैं कोई कंपनी का इतना खास कुछ दिखा रहा है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिंपल से मेरे पास सैंपल था पहले, तो वही मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि ये डोर फ्रेम भी प्लाई का ही बना बनाया है। डोर फ्रेम है, ये एक सैंपल है। तो प्लाई से भी डोर फ्रेम आजकल आते हैं बने बनाए, आपको मार्केट में मिल भी जाएंगे, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा कहाँ पे आपको ये डोर फ्रेम मिल रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे ख्याल से 4 इंची के आसपास है इसकी ये चौड़ाई, 4 से ज़्यादा ही होगी वैसे, देखते हैं इस पर, इस पर ऐसा लिखा नहीं है, जैसे 4 से ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, और लगभग ये 3 इंच के आसपास है, 3 इंच से थोड़ी सी कम है, तो मोटाई इतनी है। और इसकी जो ये जो है पताम है, जो इसकी रिबिट है, ये भी देखिए ठीक ठाक है, और ये प्लाई की पूरी देखिए बनी हुई है, सबसे अच्छी बात है। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस तरह भी डोर फ्रेम कोई आता है, और मार्केट में है वैसे ये चीज़, लेकिन मैंने कभी साइट पर लगते हुए नहीं देखा इसे। अब इसका रीज़न क्या होगा, देखिए सिंपल सी प्लाई का है, आप प्लाई का बना के दे रही कंपनी सिंपल से आपको महंगा देगी, उतने में आप शीशम की है, सागौन की है, साल की है, मरंडी की लकड़ी है, काफ़ी लोग साखू जानते होंगे, काफ़ी जो काफ़ी सिटी में साखू भी नाम काफ़ी फेमस है। तो ये सब लकड़ियां जो हैं जब आपको अच्छे रेट में मिल जाती हैं, और उसी रेट में आपको अगर ये पड़ ली है, फिर थोड़ी सी उससे सस्ती मान लेते हैं, उससे सस्ती पड़ ली है, तो आप क्यों प्लाई का यूज़ करेंगे। प्लाई में क्या दिक्कत है, कोई कंपनी वाला कोई कहे कि प्लाई वाटर प्रूफ है, दीमक प्रूफ है, दीमक प्रूफ तो हो ही नहीं सकती, कितना भी आप कितनी अच्छी प्लाई लो, मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ, जब तक उसके तेल में जो उसका केमिकल होगा, जब तक उसका इफेक्ट होगा इस प्लाई पे, तब तक तो बची रहेगी वो, जब भी उसका असर ख़त्म हुआ तेल का या फिर उस केमिकल का, तो दीमक उसमें सेवर आएगी। और घरों में क्या दिक्कत है सबसे ज़्यादा, जैसा कि आप इस इमेज को देखें, ये हाल हुआ है इस चौखट का, चौखट की देखिए इस फेस पे, सॉरी इस फेस मान लीजिए चौखट आपको दिखती है, तो यहाँ पे देखिए पूरा होल हुआ है। तो ये देखिए लकड़ी है, वो भी सागौन की लकड़ी है, अच्छी खासी लकड़ी है, तो इसका दीमक ने ये हाल किया है, अंदर आप 2-3 उंगलियाँ घुसोड़ सकते हैं इस होल के अंदर, इतना बड़ा मतलब दीमक का ये प्रकोप है। तो जहाँ ज़्यादा दीमक आती है वहाँ तो कतई मत यूज करें इसको दोस्तों, इसे जो है एक्सटीरियर में यूज तो कतई मत करें अगर यूज कर रहे हैं आप तो, क्योंकि प्लाई की दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि कभी आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना कि प्लाई को, जैसे ये लेयर है इसकी, तो इस प्लाई को अगर कभी आप पानी में भिगो के डालते हैं, 1-2 घंटे बाद आप उसको निकाल के सुखा लें धूप में, या फिर नॉर्मल धूप जहाँ ना हो वहाँ पे सुखाने के लिए रख दें, तो इसकी जो लेयर्स आपको दिखती हैं ये लेयर अलग अलग हो जाती हैं, मतलब आपस में छूट जाती हैं। क्यों छूटती हैं, क्योंकि सिंपल सी ये लेयर एक तरह से ग्लू से चिपकी हुई है, कोई और तो तरीका है नहीं, जबरदस्ती ये नेचुरल तरीके से बनाई गई हैं, जो आपस में ग्लू है, ग्लू को आपस में चिपकाया गया है, कंप्रेस किया गया है, तब जाके ये एक ब्लॉक तैयार हुआ है जाके। तो प्लाई क्या है, जब गीली होगी तो ग्लू की स्ट्रेंथ कम होगी, सूखी है तो ग्लू ज़्यादा सूखे एकदम अलग हो जाएगा, और प्लाई की हर लेयर अलग अलग फट जाएंगी, अलग अलग पोर्शन बढ़ जाएंगे। तो प्लाई की सबसे दिक्कत ये है अगर इसको बाहर लगाओगे, मैंने कहीं देखा तो नहीं है साइड पे, लेकिन अगर ये है लगाते हैं तो मुझे लगता है कि प्लाई का अगर बना है तो प्लाई सिंपल से अगर कभी पानी में भीगी या फिर धूप ज़्यादा पड़ी तो इसकी वजह से ये फट सकती है इसकी लेयर, तो इसलिए लोग कभी यूज ही नहीं करते हैं, और मैंने देखा भी नहीं किसी को यूज करते हुए। क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये सैंपल जरूर आपको फिनिश अच्छा लग रहा है देखने में, सैंपल तो हर चीज़ के अच्छे वैसे होते ही हैं जो भी आपके पास सैंपल आते हैं, चाहे किसी चीज़ का हो, लेकिन इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि भाई सिंपल से प्लाई है, प्लाई का कोई भरोसा नहीं है, और महंगा जो है ज़्यादा से बहुत महंगा होगा, भले लकड़ी से थोड़ा बहुत सस्ता हो तो आदमी लकड़ी प्रेफर करेगा, इसको क्यों यूज करेगा। और अगर सक्सेस होता है ये मार्केट में तो ये आजकल कहीं ना कहीं यूज होता, क्योंकि ये सैंपल मेरे पास लगभग 3.5 साल से पहले से रखा हुआ सैंपल है, तो मैंने देखा तो मुझे लगा यार इसके ऊपर भी आपको बताना चाहिए कि ये चीज़ आती है मार्केट में, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा प्लाई से भी कोई चौखट बनती है या फिर डोर फ्रेम बनता है, लेकिन बनता है, वाकई में आता था, आता होगा भी शायद, अभी काफ़ी लोग शायद यूज किए, लेकिन मैंने किसी को यूज करते हुए नहीं देखा। और अगर आप कभी यूज कर रहे हैं तो बाहर मत यूज करिएगा, इंटीरियर में यूज करिएगा, और ऐसी जगह पे जहां आपको लगे कि दीमक हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अगर दीमक लगेगी तो जब ये लकड़ी का ये हाल हुआ है, सागौन की लकड़ी का, तो ये तो आपकी प्लाई है, प्लाई की तो बैंड बच जाएगी, ये तो 100% है।
तो बस इस वीडियो में दोस्तों बस ये बताना था आपको, किसी की बुराई नहीं करना कि इस कंपनी की है, ये है ये है, लेकिन ये आपको बताना था कि प्लाई का भी कुछ ऐसा आता है जो आपको शायद पता नहीं होगा। आता था, आता है या आपको पता नहीं, आता है या नहीं कि अब कोई बनाता है या बंद कंपनी बंद कर दिया हो। ये तो 3 साढ़े 3 4 साल हो गए इसको सैंपल को मेरे पास आए हुए, तो अब तो शायद कहीं देखता नहीं, तो शायद आता ही ना हो। लेकिन अगर आता है तो अगर आपको कहीं पसंद है तो आप यूज करिएगा, नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत यूज करिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि इसको फिनिश पे करोगे उसको विनियर लगानी पड़ेगी, तभी आप फिनिश दे पाओगे अच्छे तरह से, तभी आप आएंगे सामने। चलो ठीक है, यहाँ पे चलो पॉलिश हो जाएगी, पीछे पॉलिश ये तो खैर पीछे दबी जाएगा, लेकिन ये जो साइड है इसमें आपको विनियर पेस्ट करने की पड़ेगी, इसके बाद तब पॉलिश करोगे, तो वो भी एक्स्ट्रा खर्चा है इसमें। तो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।